यह है दोस्तों भीड़। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। तो फिलहाल आप देखो गर्मी हो रही है, बहुत चिलचिलाती है। तो आज हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज में देखा है कि सहस्त्रधारा में हो रही बहुत भीड़, बट जब चूल काट ही चुकी है तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो अभी मैं और प्रांजल हैं बाइक में और पीछे से बड़ी गाड़ी भी आ रही है, तो जो घर वाले हैं वो बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं। और बड़ी गाड़ी के साथ ज़्यादा दिक्कत ये है कि बड़ी गाड़ियाँ वही अपनी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में फंसती हैं। बट अब दो बंदे तो क्या, फिर क्या ही जाते हैं बाइक में, तो बाकी लोग गाड़ी से आ रहे हैं और देखते हैं कितना ट्रैफिक होने वाला है। थानों से रायपुर वाले जंगल के बीच में, तो हम यहीं से निकल रहे हैं फटाफट, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट पड़ जाता है अपने को। तारानी पोखरी से काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, तो चलिए। मेरे दोस्तों गर्मी पड़ रही है दबा के, और आप सामने देख लें, और जहाँ भी आपको कहीं पर भी नहाने वाली जगह दिखेगी, थोड़ा सा भी कहीं पर पानी आ रहा होगा, तो भाई साहब लोग छोड़ नहीं रहे हैं कोई भी जगह, सब जगह आपको पब्लिक दिखेगी, और सिर्फ नहाने के लिए। अब लगा लो हम नहाने के लिए कितनी दूर जा रहे हैं, कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं सिर्फ नहाने के लिए। तो कभी कभी तो चलता है, सबकी छुट्टियाँ भी हैं आजकल, मेरी तो नहीं है बट लगभग लगभग सबकी है। वेलकम टू सहस्त्रधारा दोस्तों। आज थोड़ा ट्रैफिक कम लग रहा है फिलहाल स्टार्टिंग में, तो आगे जाके देखते हैं क्या हाल होने वाला है। तो ये रास्ता है दोस्तों जहाँ सब लोग नहाने जाते हैं, ये वाला, और हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते में। ये अपने लिए अलग सिस्टम है नहाने का ना, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए अपने को। ये है दोस्तों भीड़, यहाँ से ले रहा है नीचे तरफ, नीचे की तरफ। हम पहुंच चुके नहाने के लिए, और अब देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है नहाने वालों की, और हम सोच रहे हैं कि हम इस वाले में नहाते हैं। चलिए चलते हैं। फिलहाल हम नहा लिए, और नहाने में आया बहुत मज़ा, बट अब वही है, फिर से आप देख लो गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बट नहाने में बहुत मज़ा आया। और उसके साथ साथ आपने देख लिया कि भीड़ भी कितनी ज़्यादा है, तो जब भी आप आए तो सैटरडे संडे को तो बिल्कुल मत आना, अगर आपको आना है तो आप किसी और दिन आना। तो कुछ ऐसा ट्रैफिक मिलता है आपको जब आप वीकेंड में नहीं आते, मतलब सैटरडे संडे को जब आप नहीं आते हो तब आपको इतना ट्रैफिक मिलता है। तो आप जब सैटरडे संडे को आएंगे ना, खासकर फोर व्हीलर से, तो आपके तो बुरे हाल होने वाले हैं। तो फिलहाल हम आए हैं खाना खाने के लिए, और ये अपना योर्स कैफे। फिलहाल दोस्तों खाना खा के हम आ चुके हैं घर, ठीक है। और तो आपने देख लिया आज का क्या सीन था सारा, तो उम्मीद करते हैं, मतलब मैं अपने आप से उम्मीद करता हूँ कि जल्दी दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं करते हैं।